हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेक मिश्रा टेक में। हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेंगे, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं जब हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कंपनी को। उस टाइम में मैंने आप लोगों को बोला था, देखिए रिस्क है तो इसका मेनली कंपनी में रिस्क वाइज काफी बड़ा फैक्टर था। और अभी देखिए 1.05 रुपए पे उस टाइम पे शेयर का प्राइस था, अभी 3 रुपए पे चल रहा है। मतलब हम लोगों को 200% दे दिया है कंपनी ने क्लियरली, अगर आपकी 1 रुपीज के अराउंड या उससे बिलो की बाइंग है तो। और उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था, अगर आप रिस्क लेते हैं तो इसमें रिवॉर्ड काफी अच्छे मिलने की उम्मीद है, क्योंकि खोने के लिए 1 रुपीज का है। आप ओल्ड वाली वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ उसमें बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। तो अभी डिस्कस करते हैं ट्रेस। वैसे आप लोगों को मेरे पे भरोसा होगा ही, क्योंकि हम लोग बहुत सी कंपनियों के ऊपर डिस्कस कर रखे हैं। मेरा ऐसा कोई मजाक वाला पॉइंट नहीं होता है कि मैं किसी में दूसरा कुछ कर दूं और किसी में कुछ और बता दूं। तो अभी हम लोग GTL इंफ्रास्ट्रक्चर की इस वीडियो में फाइनेंशियल कंडीशन को समझते हैं, चार्ट पे बात करते हैं, क्या अभी कैसी कंडीशन, क्या पहले से बेहतर हुई है या पहले जैसी ही है। पर लॉन्ग टर्म व्यू पे हिसाब से, जैसे कि आपको मैं बताऊं, उस टाइम पे जुलाई के अंदर काफी अच्छी वॉल्यूम पे बाइंग आई थी, वो अभी भी चार्ट में उसी तरीके से नजर आता है काफी बड़े वॉल्यूम पे। डेट मुझे याद है चार्ट की, वो उस दिन 13 जुलाई की आप इस शेयर की बाइंग चेक कर सकते हैं, काफी बड़े वॉल्यूम पे इसकी बाइंग है। तो अभी हम लोग इसी कंपनी के ऊपर बात करते हैं। जो चैनल पे नए हो वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे भी हम लोग ट्रेड्स, शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। मेनली वहां पे आपको कंपनी का डिविडेंड पे आउट और स्प्लिट बोनस का जो भी लेटेस्ट न्यूज रहता है मैं वहां पे पोस्ट कर देता हूं, जिससे मेरे लिए खुद का सेफ हो जाए और आप जो लोग उसमें ज्वाइन है उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और आपको अगर किसी भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डाउट है, जाएगी फ्यूचर कंडीशन नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ डाउट है, होलसेल बाई का कुछ अगर पोजिशन पूछना है या आपको पूरा कंपनी के बारे में समझना है, तो आप वहां पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और बिल्कुल मैं हमेशा, क्योंकि टाइम रहता है, हम लोग, मेरा खुद मन करता है कि नई नई कंपनियों के बारे में जानूं। बहुत सी कंपनियां हैं, क्योंकि मार्केट में ट्रेड्स बहुत सारी कंपनियां हैं और हर कंपनी को एज ए मार्केटर ऐसा नहीं है कि हम लोग जिनमें कर रहे हैं उन्हीं पे मॉनिटर करते हैं। तो अगर आप लोग जो कंपनियां रिकमेंड करते हैं मैं उसको भी चेक कर देता हूं। तो यही तब सब चीजें थी जो आपको बतानी थी। अब ये बार बार मेरे को हर वीडियो में बताना पड़ता है, तो जो अभी तक के हैं आप लोग एक दो बार कमेंट पक्का कर दीजिए जो हमेशा देखते हैं वीडियो, जिससे एक बार मेरे को पता लग जाए कि हाँ किसके कमेंट जेन्युइन है। तो उसकी वजह से मैं आपको जो भी आपकी कंपनियां रहती हैं मैं फुल गाइड करने की कोशिश करता हूं। अभी ट्रेड्स हम लोग इसी शेयर के बारे में समझते हैं। लास्ट टाइम से तो काफी तगड़ा परफॉर्म किया ही है। अब लास्ट टाइम पे देखिए जिन लोगों ने बाय किया होगा अभी करंट डिसीजन पे, करंट मार्केट पे बात करते हैं। तो 1.05 रुपीज पे उस टाइम पे अच्छी खासी मूवमेंट थी, अभी भी कंपनी ठीक ठाक ही प्राइस एक्शन में चल रही है। तो कम्युनिकेशन से आ जाती है, स्पेशलिस्ट टेली कम्युनिकेशन की कंपनी है। अर्निंग पर शेयर देखिए ट्रेड्स अभी भी इसका नेगेटिव में 1 रुपीज का ही आ रहा है। अर्निंग नंबर जो नेक्स्ट आने वाले हैं वो अगस्त 18 को है। शेयर 3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटल पहले से इंक्रीज हुई है, 1 रुपीज पे जब थी तब कुछ और थी और 1 रुपीज से अब तो काफी अप हुई है, तो मार्केट कैपिटल जाहिर सी बात है पहले से इंक्रीज होनी ही है। तो 39.867 बिलियन की मार्केट कैपिटल आ जाती है। अब इसी को समझते हैं। देखिए 1 रुपीज के बाद से इसने ब्रेकआउट दिया है, पर मैं आपको बताऊं हम लोगों ने जब डिस्कस किया था उस हिसाब से अगर देखा जाए ट्रेस, हम लोगों ने काफी इसमें होल्ड किया, क्योंकि 6 मंथ पहले डिस्कस किया था। तो अगर हम लोगों ने दिसंबर के अराउंड यहाँ पे डिस्कस किया था 1 रुपीज के अराउंड, तब भी हम लोगों को देखिए 6 मंथ के बाद कुछ बड़ी रैली मिली, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी लगभग 3 महीने तक फ्लैट ही रहा, कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। पर जब कंपनी ने शुरू किया तो अच्छा रिटर्न दिया है, देखिए 300% का यहाँ पे रिटर्न मेंशन है, पर वो तो काफी बिलो प्राइस का होगा, वो अराउंड 75 पैसे के अराउंड या उससे भी बिलो का होगा। तो अभी हम लोग इसी के फाइनेंशियल पे डिस्कस करते हैं, अभी कैसी फाइनेंशियल कंडीशन है। तो जाहिर सी बात है पहले से मार्केट कैपिटल अच्छी हुई है। इंडियन रुपीज में मार्केट कैपिटल 3,255 करोड़ की आ जाती है। बुक वैल्यू ट्रेड्स अभी भी नेगेटिव में है। एक चीज मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं, देखिए पैनी स्टॉक है,
और जो रिस्क फैक्टर इसमें है वो हाई का है, क्लियरली हाई का है। तो अगर आप एकदम बिगनर है मार्केट में और आपके अंदर ऐसा लगता है कि मेरे में अंदर पेशेंस कम है, हमको जल्दी का है चक्कर, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत मांगेगा। कंपनी में अगर फंस जाते हैं आप लेके, तो इसमें होल्ड करना पड़ सकता है 6-6 मंथ, 7-7 मंथ, पर रिटर्न मिल सकता है कंपनी से, इस हिसाब की कंपनी है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए एक प्रोजेक्ट की न्यूज आई थी लेटेस्ट में, और काफी सही न्यूज लगी है, क्योंकि इनको एक देखिए ये तो एक था ही प्रोजेक्ट का, इनके नंबर का था, उसके बाद कंपनी के जो अभी कंडीशन थी वो भी काफी बेहतरीन चल रही थी, प्रोजेक्ट भी ठीक ठाक मिल रखे हैं कंपनी को परफॉर्मेंस वाइज भी। अब जैसे जैसे देखिए टेली कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट में और स्पेशलिस्ट में और ग्रोथ आएगी, वैसे ही मार्केट में आपको इसके और भी जो सर्विसेज हैं आपको स्ट्रांग और बेहतर नजर आएंगी। देखिए टेक्निकल इंडिकेटर द्वारा भी इसमें स्ट्रांग बाय की कॉल रिकमेंडेड है। अभी हम ट्रेड्स देखिए मार्केट का जो भी हाल बताऊं मैं आपको, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कम है, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 12 महीने में अच्छी खासी रही है, तो ये एक अच्छा फैक्टर आ जाता है। वन ऑल टाइम हाई देखा जाए तो 106% का है, बाकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कंपनी की, यहीं पे मैं क्लियर कर दूं। हाँ धीरे धीरे कंपनी के डेप्ट रिड्यूस हो रहे हैं, बट स्टिल काफी सारे कॉन्स के फैक्टर रहते हैं। तो शेयर तो रिस्की है ट्रेडर्स, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था जब 1 रुपीज के अराउंड था कि आपके पास खोने के लिए बस 1 रुपीज का लॉस रहता है, ठीक है, पर अगर आप गेन करते हैं तो अनलिमिटेड प्रॉफिट का गेन रहता है। तो वही होता हुआ नजर आ रहा है, अभी देखिए 3 रुपीज पे चल रहा है 6 मंथ के अराउंड, तो सेम यहाँ पे भी वही चीज रहता है, बस अब ये थोड़ा जो लॉस का चक्कर है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 3 रुपीज तक पहुंच रखा है और लगातार देख रहे हैं आप इस पे 1 रुपए से लगातार रैली बनी हुई है, बीच में 1-2 बार अपर सर्किट खुला है, वहां पे भी अच्छा खासा वॉल्यूम पे बाइंग आई है, तो ग्रोथ तो रहेगी। फ्यूचर वाइज आपको 8 रुपीज का टारगेट इसमें आ सकता है, ठीक है, बट वही है आपको इसमें लॉन्ग भी होल्ड करना पड़ सकता है, जैसे कि 8 रुपीज इसका टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ, 8 रुपीज के अराउंड का मैक्सिमम अभी वही नजर आ रहा है, मैं आपके लिए भी मार्क कर देता हूँ, पर टाइम पीरियड की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि पैनी स्टॉक में है, बहुत स्लोली भी जा सकता है, बहुत फास्ट भी जा सकता है, तो इस हिसाब से आपको इसमें खरीदारी करके चलना है। अगर आपने इस पे करंट लेवल पे भी बाय किया तो रिस्क है, आपको लॉन्ग वेट करना पड़ सकता है, इसीलिए मैंने इसकी टैगलाइन में लिख रखा था रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। बाकी कंडीशन वाइज देखिए मैंने आपको फाइनेंशियल चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे आपको नंबर आप देखेंगे तो आप इसको कभी खरीदेंगे ही नहीं, पहली बात तो ये है, जो मार्केट में लंबे टाइम से कर रहा है उसके नंबर देख के ही कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि रिस्क वाइज बहुत ज्यादा हाई रिस्क है। यहाँ पे आप प्रॉफिट लॉस बुक में देखेंगे ट्रेस तो नंबर इसके काफी बड़े बड़े नंबर पे लॉस में रही है कंपनी, इस हिसाब से तो कब का बंद हो जाना चाहिए था, पर हाँ अभी भी मार्केट में बनी हुई है क्योंकि हो रहा है कहीं ना कहीं से इसके प्रॉफिट जो है हो रहे हैं। अभी जैसे पिछले 12 महीने का देखा जाए तो वहां पे 11% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है, जबकि सेल 1% नेगेटिव में रही है, तो यही चीजें रहती हैं। पर आपको इसमें बैलेंस शीट पे देखी जाए तो वो भी बेकार है, कैश फ्लो पे नजर डाला जाए तो इनका बिजनेस का वही ना, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 218 करोड़ का नेट कैश फ्लो आ रहा है, मतलब बिजनेस ठीक चल रहा है, बाकी कंडीशन जो स्ट्रांग वे पे देखा जाए तो वो बेहतर नहीं है। जैसे कंपनी की रिजर्व्स देखे जाए तो 13,784 नेगेटिव में है, तो इस हिसाब से जो लॉन्ग बेसिस पे है वो तो देखिए ना, इसको पूछिए ना, पर यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है इसीलिए इसमें डीआईएस की जो होल्डिंग है बड़ी मात्रा में 60% से ज्यादा की होल्डिंग इसमें डीआईएस की है, यही एक तरीके से कह लीजिए कंपनी को उठाए रखे हैं, ठीक है ड्रेस। तो ये इसका हाल है फिलहाल पे चार्ट पे। अब देखिए मैंने आपको टारगेट बता दिया है बाई प्राइस के लिए, जब तक इसमें अब तो अपर सर्किट ही लगा है, जब खुलेगा तभी मौका मिल पाएगा कि आप इसमें एंट्री ले पाए, पर हाँ अगर प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस रहते हैं तो आपको डिप का वेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए शेयर काफी रिस्की है, आप इसको जितना जैसे अभी 2.50 रुपीज के अराउंड इसमें अच्छा दिख रहा है कि आप वहां पे बाई करें, पर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क देखिए 3 रुपीज पे भी है, 2.50 रुपीज पे भी है, तो अगर आपका लॉन्ग व्यू है तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, और हाँ अगर आपके अंदर धैर्य है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है क्योंकि होल्ड करना पड़ सकता है। ओवरऑल यही था जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पे अपडेट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट कंपनी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।